हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान दर्पण आईएएस एकेडमी। एंड आज जो हम कवर करेंगे एचपीजीके लेक्चर टू। इससे पहले मैंने लेक्चर वन जो है ऑलरेडी कवर कर दिया एचपीजीके का। आप एक बार प्लीज उससे भी गो थ्रू हो लीजिए, आपके लिए यूजफुल रहेगा। ये जो लेक्चर है आपका अपकमिंग एचएएस का एग्ज़ाम, आपके एलाइड सर्विसेज नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको जो स्पेशली हिमाचल पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली हम इस लेक्चर सीरीज में कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड इससे पहले मैंने इकोनॉमिक सर्वे के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप वो भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर हम लास्ट ईयर का एग्जाम ही देखें एचएएस में, 7 to 8 क्वेश्चन जो हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे से आए थे और डायरेक्टली हमने अपने यूट्यूब के लेक्चर में कवर करे हुए थे। और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, ये जो एचपीजीके के लेक्चर्स हैं, इसमें हमारे जो इंस्टीट्यूट की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी दीपक सर, जो कि डिफेंस फोर्सेस स्पेशली नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो थैंक यू सर, दीपक सर, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर एचपीजीके लेक्चर टू। आज भी हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन स्टेट के से रिलेटेड कवर करेंगे, लाइक स्टेट बर्ड, स्टेट फ्लावर, स्टेट एनिमल। फ्रेंड्स, बुक्स एंड रेफरेंसेस जो है मैं आपको अगेन सजेस्ट करूंगा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड वंडरलैंड बाई जगमोहन ब्लोकरा। ये दो बुक अगर आप रेफर करते हैं, मोर देन इनफ है। इकोनॉमिक सर्वे हर साल फेब के एंड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसको जरूर कवर करिए। सो एरिया हिमाचल का टोटल एरिया 55673 स्क्वेयर किलोमीटर एंड इट इज़ ग्रेटर देन पंजाब एंड हरियाणा। कैपिटल शिमला एंड विंटर कैपिटल धर्मशाला। पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस 68,64,602। सब डिवीज़न 69 है हिमाचल में, डेवलपमेंट ब्लॉक 79, तहसील 101। सब तहसील मैंने एक्सपेक्ट कर सकता, नगर पंचायत 23 हैं, ग्राम पंचायत एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 3226, नगर परिषद 29, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी 68, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा की 4 सीट्स है, आगे जाके देखेंगे भी हम, एंड राज्यसभा की 3 है। स्टेट एनिमल इज स्नो लेपर्ड, बट इसका आप जोलॉजिकल नेम जो लैटिन नेम पैंथरा अंशिया याद रखिए। स्टेट बर्ड वेस्टर्न ट्रैगोपोन जुजुराना एंड स्टेट फ्लावर पिंक रोडोडेंड्रोन। तो रोडोडेंड्रोन कैंपिन्युलेटम इसका जो बॉटनिकल नेम है, जो आपका साइंटिफिक नेम या फिर लैटिन नेम कह सकते हैं, आपने ये याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अगर हम एचपी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो देखिए हिमाचल को 4 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कांगड़ा से किशन कुमार जी हैं जो प्रेजेंट लोकसभा के एमपी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। सेकंड मंडी से राम स्वरूप जी हैं। थर्ड हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जी हैं और शिमला से आपके सुरेश कुमार कश्यप जी हैं। तो आपने 4 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज और वहां से कौन से आपके एमपीज हैं ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो 4 के 4 कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी ने सीटें जीती थी ये चारों। नेक्स्ट सभा की बात करें तो राज्यसभा में हिमाचल की 3 सीट्स हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा से विप्लव ठाकुर, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2014 एंड रिटायरमेंट डेट इनकी 2020 अप्रैल में है। नेक्स्ट अनंत शर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस अगेन 2016 से 2022, क्योंकि हमें पता है राज्यसभा में जो है टेन्योर एमपी का 6 ईयर्स होता है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के हैं, 3 अप्रैल 2018 से लेकर 2024 तक के। तो ये लोकसभा और राज्यसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है, और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सा लीडर है आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज स्टेट बर्ड। तो स्टेट बर्ड की बात करें, इन 2007 एट द थर्ड स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड मीटिंग द वेस्टर्न ट्रैगोपोन, जो इसका साइंटिफिक नेम है जुजुराना का, वेस्टर्न ट्रैगोपोन ट्रैगोपैन मेलानोसिफेलस लोकली नोन एज जुजुराना, जिसे कि हम जुजुराना भी कहते हैं, द किंग ऑफ बर्ड्स, इट रिप्लेस द मोनाल। तो याद रखना 2007 से पहले मोनाल होता था, बाद में वेस्टर्न ट्रैगोपैन को डिक्लेयर कर दिया गया था स्टेट बर्ड ऑफ एचपी। इट इज क्लासिफाइड एज वल्नरेबल, तो इसका स्टेटस याद रखना, वल्नरेबल स्पीशीज है, ऑन द रेड लिस्ट ऑफ IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉर नेचर। एज पर 2012 रिपोर्ट्स देयर आर अबाउट 2500 टू 3500 इंडिविजुअल्स ऑफ दिस बर्ड। तो इसका स्टेटस आपने याद रखना है, वल्नरेबल है IUCN में। ये रहा आपका जुजुराना वेस्टर्न ट्रैगोपोन। नेक्स्ट इज स्टेट बर्ड की बात करें,
और आगे इसके बारे में डिटेल में देखें, प्रेजेंटली देयर आर 24 कैप्टिव बर्ड्स इन सराहन फिजेंट्री। सराहन फिजेंट्री में आप याद रखिए, विच इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड टू होल्ड वेस्टर्न ट्रैगोपोन इन कैप्टिविटी, एंड सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैड अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ ब्रीडिंग ऑफ वेस्टर्न ट्रैगोपोन। तो इनका कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे डिक्लेयर करा गया था? सराहन फिजेंट्री में ड्यूरिंग 2003 to 2004। तो सराहन फिजेंट्री याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम 2010 टू 11 ऑनवर्ड्स वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज आल्सो बीन एसोसिएटेड इन दिस प्रोग्राम। सो सेंट्रल जू अथॉरिटी के साथ साथ अगर आपसे पूछ ले कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंजर्वेटिव प्रोग्राम बोथ इन सिचू एंड एक्स सिचू लेवल कंजर्वेशन। ये इन सिचू कंजर्वेशन, एक्स सिचू कंजर्वेशन, ये आप एनवायरमेंट इकोलॉजी लेक्चर्स में डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज हैबिटेट एंड थ्रेट्स देखें। एंडेमिक टू नैरो रेंज इन द टेम्परेट रीजन, तो ये टेम्परेट रीजन का वर्ड है, एंड ग्रेटर हिमालय रेंजेज में एंड बिटवीन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस इन पाकिस्तान एंड वेस्टर्न उत्तराखंड इन इंडिया, यूके उत्तराखंड के लिए है। हैबिटेट ट्रिगर, अगर ये स्पीशीज जो है यहाँ से एंडेंजर्ड है तो क्या कारण है? एक तो सबसे बड़ा कारण है हैबिटेट डिग्रेडेशन, फ्रेगमेंटेशन थ्रू सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ब्राउजिंग ऑफ अंडरस्टोरी श्रब्स बाय लाइफ स्टॉक्स, ट्री लॉपिंग फॉर एनिमल फॉडर एंड फ्यूल, वुड कलेक्शन आर द मेन थ्रेट्स। मतलब एंथ्रोपोजेनिक रीजन है, ह्यूमन की जो इंटरफ्रेंस है उसकी वजह से ये वर्ड जो है एंडेंजर होता जा रहा है। डिस्टर्बेंसेज बाय ग्रेजर्स, कलेक्टर्स ऑफ एडिबल फंजाई एंड मेडिसिनल प्लांट्स सीरियसली इंटरफेयर्स विद द नेस्टिंग, हंटिंग एंड ट्रैपिंग फॉर इट्स मीट, एंड अगेन दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, हंटिंग एंड ट्रैपिंग फॉर द मीट एंड इट्स डेकोरेटिव प्लमेज पोज एडिशनल थ्रेट टू दिस वर्ड। तो आपसे पूछ सकता है कि क्या कारण है, इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्यों एंडेंजर्ड लिस्ट में आया है हमारा बर्ड, इसके स्पीशीज के कम होने के क्या कारण है, तो आप ये कारण बता सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन, मेल्स जो हैं मोस्टली दे आर ग्रेइश ब्लैक ऑर्नेटली स्पॉटेड विद राउंड ब्लैक बॉर्डर्ड वाइट डॉट्स एंड पोजेस ए कंसिस्पिकुअस रेड कॉलर अपर ब्रेस्ट एंड फेशियल स्किन। फीमेल्स आर मोर ब्राउनिश ग्रे बोथ अबव एंड बिलो एंड लैक द कलरफुल एडॉर्नमेंट्स ऑफ द मेल। तो मेल जो है थोड़ा इनका कलरफुल है, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, मेल जो है 68 to 73 cm, फीमेल 60 cm। इट इज प्राइमली बिलीव टू बी मोनोगैमस बर्ड। ए रूडिमेंट्री नेस्ट इज एस्टेब्लिश ईदर ऑन द ग्राउंड और ऑन द ट्रीज। तो इसके नेस्ट जो है ग्राउंड या ट्रीज पे मिलते हैं, एंड क्लचेज ऑफ 2 to 6 eggs आर इंक्यूबेटेड सोलली बाई द फीमेल्स। तो 2 से 6 जो अंडे हैं ये इंक्यूबेट करती है फीमेल एट ए टाइम। नेक्स्ट इज स्टेट एनिमल। अगर स्टेट एनिमल की हम बात करें तो स्टेट एनिमल जो है हमारा स्नो लेपर्ड है। इसका जो जोलॉजिकल नेम या फिर लैटिन नेम पैंथरा अंशिया, एंड इससे पहले मस्ट डियर होता था एंड इट हैज बीन रिप्लेस बाय नाउ विथ स्नो लेपर्ड। सो स्नो लेपर्ड जो है ये भी लिस्ट करा गया शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, जबकि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जबकि हमारा जो स्टेट बर्ड था वो वल्नरेबल स्पीशीज थी। स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट हैबिटेट देखें, स्नो लेपर्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हाई माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया। तो ये हाई माउंटेनियस रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया जहाँ की एल्टाई, टियानशान, कुनलुन रेंजेस हैं, पामिर नोड, हिंद कुश, कराकोरम एंड हिमालयन रेंजेस, और वेस्टर्न हिमालयाज में स्पेशली HP, JK, लद्दाख एंड उत्तराखंड, एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आंध्र प्रदेश एंड सिक्किम आर दे आर द नोन टू होस्ट स्नो लेपर्ड्स इन द कंट्री। तो आपने याद रखना कहाँ कहाँ पे ये स्नो लेपर्ड्स जो है ये आपको एनिमल मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम द स्पीति वैली, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल का, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एंड द पांगी एंड भरमौर एरियाज ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, दे हैव साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। तो हिमाचल में कहाँ कहाँ पे मिलता है आपने याद रखना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, स्पीति वैली, पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट हिमालयस नॉर्दर्न नेशनल पार्क, पंगी एंड भरमौर एरियाज ऑफ चंबा, ये आपको स्टेट एनिमल की हैबिटेट हिमाचल में मिलेगी। इसके अलावा इंडिया में मिलता है एंड सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन। सो ग्लोबल अगर हम देखें स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन है जो एस्टिमेटेड 4080
से लेके 6590, इंडिया में 200 से 600 के बीच में। एंड हिमाचल की बात करें, हिल स्टेट की बात करें, तो 35 वाइल्ड कैट्स इज एक्सपेक्टेड इन दिस हिल स्टेट। सो काफ़ी कम नंबर रह गया यहाँ पे है हिमाचल में भी, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हिमाचल में भी इवन इंडिया में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड स्टार्ट करा गया था जनवरी 2009 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब स्टार्ट हुआ था? 2009। नेक्स्ट इज स्टेट फ्लावर। स्टेट फ्लावर हमारा पिंक रोडोडेंड्रोन है। इसका आप बॉटनिकल नेम या लैटिन नेम याद रखिए, रोडोडेंड्रोन, रोडोडेंड्रोन कैंप्यूनेलेटम। सो स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश है, एंड अकॉर्डिंग टू IUCN जो आपका पिंक रोडोडेंड्रोन है, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है, जो हमारा स्टेट वर्ड है वो वल्नरेबल स्पीशीज है, स्टेट एनिमल एंड स्टेट फ्लावर एंडेंजर्ड स्पीशीज में है IUCN की लिस्ट में। तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो इमेज है ये आपका स्टेट फ्लावर है पिंक रोडोडेंड्रोन। सो देयर आर ओवर 900 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ रोडोडेंड्रोन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में 900 से ज्यादा स्पीशीज जो है रोडोडेंड्रोन की मिलती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम द हिमालयस थ्रू पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, चाइना, नेपाल, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड न्यू गिनी। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, क्या ये सिर्फ इंडिया में या क्या सिर्फ हिमाचल में मिलता है? नहीं, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, चाइना, नेपाल एक्सेट्रा कंट्रीज में भी हम ये वर्ड देख सकते हैं। बट ये नेटिव कहाँ का है? इंडिया का है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन हिमालयन रीजन्स जम्मू कश्मीर टू सिक्किम, तो वेस्टर्न हिमालयस में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कितने एल्टीट्यूड तक ये वर्ड हमें ये स्टेट फ्लावर हमें मिलेगा? 2400 से 5200 मीटर हाइट तक हम पिंक रोडोडेंड्रोन जो है इस हाइट पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट्स वुड इज मॉडरेटली हार्ड एंड यूज एज एक्सीलेंट फ्यूल। तो वुड जो है फ्यूल के लिए यूज करी जाएगी। हाउएवर जो इसका स्मोक जो वुड से रिलीज होगा बर्निंग से, डेट इज इरिटेंट। लीव्स आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज, स्पेशली फॉर क्रॉनिक रूमेटिज्म जो अर्थराइटिस जॉइंट में प्रॉब्लम हो जाती है, रूमेटिज्म, सिफिलिस जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वेनरल डिजीज है, शियाटिका जो आपकी शियाटिक नर्व पेन है, एंड दे आर मिक्स्ड विद टोबैको एंड यूज्ड एज स्नफ टू क्योर हेमिक्रेनिया। तो ब्रेन का हाफ साइड का जो पैरालिसिस होता है तो उसमें भी यूज करी जाती है। एंड लीव्स आर पॉइजनस टू फाइव स्टॉक्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंस। तो जो आपकी लीव्स हैं लाइफ स्टॉक के लिए डेंजरस भी हो सकती हैं। इसमें अंदर कौन सा आपको टॉक्सिन मिलता है? एंड्रोमेडोटॉक्सिन, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड्रोमेडोटॉक्सिन। सो दैट्स व्हाई दे आर डेंजरस फॉर लाइफ स्टॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो नेक्स्ट टाइम जो मेरा लेक्चर होगा मैं ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस ऑन YouTube।